स्टबर डायरेक्ट किया इसे माइकल डोस ने, और जो इसके अंदर कास्टिंग है वो है डे बटिस्टा, बटिस्टा वही हैं जो WWE में आते हैं, आते थे या मैंने अब देखना बंद कर दिया, शायद आते भी होंगे अभी। और इनके अलावा है कुमेल नंजियानी, और ये वही हैं जो डेडपुल 1 और 2 में दोनों में आए थे, बैटी गिलपिन और नटालिया मोरेल्स और अन्य कलाकार। जो स्टबर है ये बहुत पहले आ चुकी थी, मतलब कि 6 जुलाई के नज़दीक रिलीज़ हुई थी, इसी साल में 6 जुलाई 2019 में रिलीज़ हुई थी। और रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखी अभी है, देखना चाहता था जब इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, जो बटिस्टा को जो दिखाया गया था एक कॉमेडी वे में, तो मैं ये देखना चाहता था। और जो कुमेल नंजानी है उनकी जो उनकी दोनों की जो कॉमेडी टाइमिंग है वो मैं देखना चाहता था, कैसे ये निकल के आ रही है बाहर। जो हमने देखा था डेडपुल में जो कुमेल नंजानी है, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं उसके अंदर, तो ऐसी मैं इस मूवी में देखना चाहता था उनका काम कैसा है। और 1.5 घंटे की मूवी है, और 1.5 घंटे में आपको पता नहीं चलेगा कि कब 1.5 घंटा बीत गया, यानी इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी जो है इनकी स्टोरी है। स्टोरी तो क्या है, स्टोरी सिंपल सी है, मतलब कॉमेडी बहुत अच्छी है। आप समझ लो कि एक स्टोरी मैं बताता हूँ, स्टोरी है कि जो बटिस्टा है डिटेक्टिव विक का इन्होंने किरदार निभाया है, तो ये एक क्रिमिनल को पकड़ रहे होते हैं, टोजो नाम होता है उसका, और वो एक ड्रग्स स्मगलर होता है, उसको पकड़ रहे होते हैं। तो उसको पकड़ते वक्त जो बटिस्टा है अपनी पार्टनर को खो देता है, यानी टोजो उसको गोली मार देता है, तब से लेकर बटिस्टा उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि भी उसको मुझे पकड़ना है पकड़ना है। तो एक टाइम आता है जब उनको पता चलता है कि टोजो एक ऐसी जगह छुपा हुआ है, और फिर वो जो ये कुमेल नंजानी है यहाँ पे किस उबर का काम, उबर एक उबर ड्राइवर होते हैं यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो इसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं उबर मुझे बुक करनी है, और बाय चांस बाय एक्सीडेंटली वो एक उबर वाले को अपना एक पार्टनर बना लेते हैं। तो ये एक स्टोरी है, वो उसको पकड़ते हैं। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ बटिस्टा लास्ट में जाके टोजो को पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, बस सिंपल सी बात है। लेकिन शुरू से लेके आखिर तक 1.5 घंटे को वो कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ये देखने वाली बात है कि भाई क्या कॉमेडी रखते हैं, कैसे वो एक्शन सीन रखते हैं, जबरदस्त। देखो एक्शन इतने नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन जो मेन जो हाईलाइट है वो है बटिस्टा और कुमेल जी की, जो उनकी दोनों की जो कॉमेडी टाइमिंग है, दोनों ने जो मिलकर साथ जो काम किया वो कमाल है, वो गजब है। मतलब अब एक सीन है इसके अंदर, जैसे कि बटिस्टा की जो आईसाइट होती है वो कमजोर होती है, मतलब वो देख नहीं पाते, मतलब थोड़ा सा भी नजदीक से नहीं देख पाते, 5 फुट या 6 फुट तक की दूर भी नहीं देख पाते वो बिल्कुल क्लियर, 5 फुट तो वो तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब इतना नजदीक अपने 2 या 3 फुट भी नहीं देख पाते। तो इसके अंदर क्या इस चीज को लेके उन्होंने इतना जबरदस्त वो कॉमेडी किया है। अब बटिस्टा का शरीर देखो आप, उसकी बॉडी देखो तो वो जबरदस्त, और कुमेल का जब आप शरीर देखो वो बिल्कुल कमजोर से, ऐसे वीक से, मतलब उनके सामने कंपेयर कर रहा हूं, तो वो कैसे उनका मजाक उड़ाते हैं, कैसे वो उनको मारते हैं, दोनों जब आपस में फाइट करते हैं, तो हर एक सीन बड़ा जबरदस्त है, उसको देख के एकदम फ्रेश हो जाते हैं, मतलब हम यार कमाल हो गया यार, 1.5 घंटा जो आप जो उसकी जो ये मूवी देखने में लगाएंगे वो वाकई में कमाल का होगा। कॉमेडी अच्छी है, एक्शन भी अच्छे हैं, सबसे मेन हाईलाइट तो ये जो दो कलाकार हैं बटिस्टा और कुमेल जी हैं, दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जो इनके डायलॉग डिलीवरी है वो भी बड़ी अच्छी है, हिंदी डबिंग मुझे अच्छी लगी इन दोनों की, इंग्लिश भी अच्छी है, हिंदी डबिंग भी अच्छी है, दोनों ही अच्छे, लेकिन क्या करें वो बॉलीवुड के वो जो बीच बीच में नाम आते हैं वो आप थोड़ा इग्नोर कर देना, बाकी अपना सही है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 स्टार। देखो बहुत होते हैं 8, आप किसी मूवी का स्टार अगर आप 8 देखते हो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी जगह मुझे थोड़ा बहुत लगा कि हाँ यहाँ पर थोड़ा कुछ अच्छा कर सकते थे, देखो मेरी तो वो बोली हॉलीवुड वाले वो बात सुनने वाले नहीं है, वैसे भी अपने ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं दे रहा हूँ वैसे। खैर अगर आप लोगों ने स्टबर मूवी देखी है तो आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, अगर नहीं देखी है तो जाके देखो। आज के लिए बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।